हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ साबुन के बॉक्स, कुछ मोबाइल के बॉक्स से बहुत ही काम के दो ऑर्गेनाइजर के आइडिया शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, हम सबके घर में इस तरह के साबुन के बॉक्स रहते हैं। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो छोटे मोटे बॉक्स भी हमारे पास होते ही हैं। इन सबको अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन इसमें से आप बहुत ही काम के ऑर्गेनाइजर घर पर ही तैयार कर सकते हैं, तो उसे आप ज़रूर से घर पर ही तैयार कीजिए। मेरे पास ये कुछ इस तरह का ऑनलाइन शॉपिंग का एक बॉक्स था, इसे मैंने लिया है और इसे थोड़ा मजबूत किया है। चारों बाजू मैंने एक एक और इस पर जो है कार्डबोर्ड के बॉक्स के लगा दिया है, इसकी शीट लगा के इसे और ज़्यादा मजबूत कर लिया है। और इस तरह कर लेने के बाद इसके ऊपर मैंने कुछ यहाँ बीच में थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ये जो फिटिंग है और इसके हिसाब से कार्डबोर्ड में थोड़ा ऊपर लाना पड़ा, क्योंकि ये बॉक्स थोड़े छोटे हैं पियर साबुन के। और अब इसके बाद दोनों बाजू मैंने एक एक मेरा मोबाइल था तो उसके ही बॉक्स को लगाकर एक बहुत ही प्यारा सा मैंने ड्रॉअर छोटा सा तैयार किया है। जी हाँ, अब आपके पास जैसे भी बॉक्स है उसे कुछ इस तरह से अपने आप अरेंज करके अलग अलग स्टाइल से अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ अब इसे जो है इसमें लगा सकते हैं और नया सा बना सकते हैं। कुछ मैंने इस तरह से लगाने के बाद इसे मैंने गिफ्ट पेपर से रेप कर दिया है और इसके साथ ही जो मेरे पियर साबुन के बॉक्स थे उसको भी मैंने इस तरह से रेप कर दिया है। चाहे तो आप एक ही गिफ्ट पेपर का यूज़ कीजिए या तो आप मेरी तरह दो कलर के गिफ्ट पेपर का भी यूज़ करके इसे बहुत ही प्यारा सा तैयार कर सकते हैं। और इस तरह रखने के बाद इसका यहाँ पर नीचे से मैंने एक एक और कार्डबोर्ड के जो लगा दिया है, क्योंकि इससे क्या होगा जब भी हम ड्रॉअर को खोलेंगे तो इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप खोल सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा सा आपका जो है ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा। कैसा लग रहा है मेरा ये आइडिया, पसंद आ रहा है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आइडिया शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे रविवार बुधवार को नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस तरह से मैंने क्या किया है कि आप हैंडल लगाने के लिए घर पर ही हैंडल बना लीजिए। मैंने इस तरह की एक डोरी को लिया है गोल्डन कलर की और इसे मैं इसमें लगाकर इसका इसी से मैं हैंडल तैयार कर रही हूँ। मैंने इसे डबल किया है और डबल किया है, इसे निकालने में तकलीफ होगी तो मैंने छोटा सा वायर यहाँ पर कट करके आगे लगा दिया है। और इससे मैंने इसमें जब आप इसमें से निकाल कर इसको अंदर से आप निकालेंगे तो बड़ी आसानी से आप कार्डबोर्ड में से इसे निकाल सकते हैं। और इस तरह से आप कोई भी मोटी चीज़ को जब भी करना चाहें तो इस तरह से आगे वायर बांधकर या तो तार बांधकर छोटा सा आप जो है इस तरह से करेंगे तो बहुत आसान वे में आप इसमें से हैंडल हम बना रहे हैं और बन जाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे कर लेंगे और एक बहुत ही प्यारा सा हैंडल वाला हमारा ड्रॉअर बॉक्स तैयार हो जाएगा। मेरा मिशन आपको इजीएस्ट वे में सिखाने का है, तो मेरे मिशन में मुझे सक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इस तरह से आप बिल्कुल जीरो कॉस्ट ही हमने जो है इसके हैंडल भी तैयार कर लिए हैं। तो अब से कभी भी आपको हैंडल्स तैयार करने हो तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से कहीं पर भी अपने डोर बॉक्स के हैंडल बना सकते हैं। कई बार हमारे जो है ड्रॉअर के भी हैंडल जो है टूट जाते हैं तो हमें नए लाने का कई बार टाइम नहीं होता है, तो आप तभी भी इस तरह से जो है दोरी लगाकर या तो कुछ भी इसमें लेस से इसे बांध कर भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से आप इसे बड़ा ही मजबूती से तैयार कर सकते हैं। और एक हमने बहुत ही प्यारा सा हमारा जो है ये ड्रॉअर बना दिया है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने कुछ इसमें अपनी जो अलग अलग की है घर की उसको रखा है और कुछ इसमें बॉक्स में मैंने अपने चार्जर वायर को भी रखा है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से इसमें बड़ी आसानी से हर चीज़ को अरेंज कर दीजिए और अपने काम की वस्तुओं को आप आसानी से इसमें रख सकते हैं, है ना, बड़े ही काम का। अब दूसरे आइडिया में क्या किया है कि मेरे पास इसी तरह का ऑनलाइन शॉपिंग का एक बॉक्स था। आप बॉक्स की साइज कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपके पास है। और इसे मैंने ऊपर से कट कर लिया और बाद में इस बॉक्स को ज़्यादा मजबूत कर लिया है। एक एक और कार्डबोर्ड शीट जो है मैंने आसपास इसके चारों बाजू लगा दिए जिससे ये काफ़ी मजबूत हो गया है। उसके बाद मैंने कुछ इस तरह सा कटिंग कर लिए, थोड़े थोड़े लंबे पीसीस में इस तरह के ट्राइंगल। तो ऐसे दो मैंने बड़े ट्राइंगल किए और चार मैंने इसके छोटे इससे थोड़े पतले ट्राइंगल को बनाया है। और इस तरह से मैंने इस पर गिफ्ट पेपर लगा रही हूँ। गिफ्ट पेपर आपके पास कोई भी है जैसा भी है वो लगा दीजिए। अभी कुछ क्रिसमस की थीम का मेरे पास ये कुछ था, बहुत ही प्यारा सा सांता वाला, तो मैंने सांता क्लोज वाला ये गिफ्ट पेपर लगाया है। और एक बहुत ही अलग सा मैंने अपने घर में जो है इसे लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह से भी कोई भी गिफ्ट पेपर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर के बाजू भी यहाँ पर जहाँ कार्डबोर्ड खाली है वहाँ पर भी हम इसे कट करके आसानी से लगा लेंगे। तो हम एक बहुत ही जीरो कॉस्ट आप कह सकते हैं कि हम अपने जो है ऑर्गेनाइज़र को तैयार कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने रसोई के लिए तैयार किया है, तो आप इस तरह से बिल्कुल जीरो कॉस्ट घर पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाइए। मैंने आपके साथ
जो है और भी कार्डबोर्ड बॉक्स के आइडिया शेयर किए हुए हैं, तो वो भी कार्डबोर्ड बॉक्स के आप किस तरह से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं उसकी लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वो भी सारे वीडियो देख सकते हैं और उन्हें उसमें देख कर तैयार कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि ये सारे बॉक्सेस को हम ऐसे ही वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आप इस तरह से इनका रीयूज़ कर सकते हैं और अपने घर को बहुत ही प्यारा जीरो वेस्ट हम सजा सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमें इसे बना देना है, और मैंने इस तरह से इसे बना दिया है। और ये चार और अलग से पट्टियाँ मैंने तैयार की थी, और एक बड़ी सी एक दूसरी इसी तरह की माप मैंने एक और पट्टी को तैयार किया है। अब इन सभी पट्टियों को हमें पहले अरेंज करना है। तो क्या किया है कि मैंने ये जो छोटी लंबी पतली हमारी ये पट्टियाँ हैं, इन चार को इस तरह से रख दिया है, और इसके ऊपर ही मैं जो है एक जो हमने वो बॉक्स तैयार किया था उस बॉक्स को हमें इस तरह से अरेंज कर देना है। और इसके चारों बाजू दोनों बाजू हमें इस तरह के हमने जो थोड़ी मोटी हमने जो ये बॉर्डर वाले पट्टी तैयार की उसे लगा देना है, और इसे हमें चिपका के रख देना है। तो हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। जी हाँ, और इसे कुछ आप वजन लगा के पूरी रात सूखने के लिए रख दीजिए। और देखिए, मैंने इसमें अपने किचन की सारी चीज़ों को रखा है, कुछ शो बटन से और कुछ लेसिस से मैंने इसे डेकोरेट भी कर दिया है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये मेरा, है ना काम का। तो ज़रूर से इसे तैयार कीजिएगा। मिलते हैं।